ये कार्टून गिरी ना कहीं और चल सकती है, ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं ये चीजें। अगर ये ही स्किल पे अगर ध्यान दोगे ना आप, तो ज्यादा बेटर कर सकते हो आप। उसके बाद अगर हम देखते हैं, मोहम्मद शामी से इसके बारे में पूछा गया, उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा, आपने ही सबसे पहले छेड़छाड़ की है और आप पकड़े भी गए हो। हाँ, 2006 में इंग्लैंड के सामने मैच था जिसमें तो दूसरे को टारगेट करना क्यों जरूरी समझते हैं? जिस तरह से उन्होंने कहा, इंजमामुल हक साहब की बात का जवाब दिया, आपको नहीं लगता कि इंजमामुल हक साहब एक सीनियर? लेकिन जब आप कोई ऐसा बयान देते हैं, ऐसा बयान जारी करते हैं जिसके हकाइक मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो उसका असर कोई बहुत अच्छा नहीं पड़ता दुनिया में। तो उसके हवाले से मोहम्मद शमी ने जो बात की है, तो मोहम्मद शमी वो यही कह रहा है कि सादा सी और सिंपल अल्फाज में, वो शाहरुख खान का जो गाना था, मैं करूं तो साला करैक्टर ढीला है। इंजमामुल हक के हवाले से मोहम्मद शमी ने बातें की है ना कहीं मोहम्मद शमी ने इंजमामुल हक को और पाकिस्तानी साबिक खिलाड़ियों को जो है वो आप ये कह सकते हैं कि ट्रोल किया है। जय हिंद दोस्तों, मोहम्मद शमी जिन्होंने एक पॉडकास्ट में एक ऐसा जवाब दिया, ऐसा सैवेज रिप्लाई दिया इंजमामुल हक और उन सभी पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटरों और कमेंटेटर के बोलने पे, जिन्हों कहते थे कि भारत को फेवर किया जाता है किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में, जब भी भारत का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, गेंदबाजी अच्छी होती है, तो उन्हें लगता है कि जो स्विंग होता है या फिर जो भी फेवरेबल कंडीशंस होती है वो पाकिस्तान भारत के लिए की जाती है, भारत के हिसाब से की जाती है, क्योंकि आईसीसी में भारत का दबदबा बहुत ज़्यादा है। और ऐसा ही बेतुके उनके ये थे। उसी एक श्रृंखला में इंजमामुल हक, जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े और पुराने क्रिकेटर हैं, उन्होंने कहा था कि जो भारतीय गेंदबाज है अर्शदीप सिंह, उनका जो रिवर्स स्विंग हो रहा था T20 वर्ल्ड कप में, उसके पीछे जो है आईसीसी ने कुछ उनको दूसरा बॉल दिया था या फिर ऐसे कुछ कि भैया कुछ भी बॉल में टेम्परिंग या फिर ऐसी कुछ चीजें हुई थी जिसकी वजह से वो बॉल स्विंग हुआ। हालांकि ये तो प्योरली उनकी स्किल थी अर्शदीप सिंह की, जो वो बॉल को स्विंग करा सकते थे 20 ओवर फॉर्मेट में, हालांकि वो बहुत मुश्किल है। तो इसी के मुताबिक जो शमी है, शमी को जब पॉडकास्ट में ये सवाल पूछा गया, जिनका पॉडकास्ट था, उन्होंने कि भैया ये जो इंजमामुल है उसके ऊपर आप क्या करेंगे और क्या कहना चाहते हैं, तो शमी ने क्लियरली कहा कि भैया ये तो खाली नौटंकी है, इनको कुछ भी करना है, कुछ भी कहना है। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि पाकिस्तानी लोग भारत की तरक्की देख के जलते हैं, उनको भारत के जो भी अच्छा होता है वो देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो हमेशा भारत जब भी अच्छा करेगा तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिव कमेंट्स करते रहेंगे। और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, जिसे हम कह सकते हैं कि एकदम सैवेज रिप्लाई, कि पाकिस्तानी लोग जो है वो जब स्विंग करते हैं बॉल को, उनके बॉलर जब स्विंग करते हैं, तब वो कहते हैं कि ये बॉल जो है उनका बॉलर का जो स्किल है, स्किल और टैलेंट है जो बॉल को स्विंग कराते हैं, लेकिन उसी तरह पे अगर भारतीय गेंदबाज स्विंग कराते हैं बॉल को, तो कहते हैं कि भारतीय गेंदबाजों को आईसीसी फेवर करता है, उनके हिसाब से बॉल देता है या फिर कुछ अलग बॉल देता है उनको। और ऐसे विश्व कप में जब मोहम्मद शमी की बॉलिंग आई थी, मोहम्मद शमी की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त हुई थी, तब भी वहाँ पे लोगों ने यही कहा था कि मोहम्मद शमी के बॉल में कोई चिप डाली हुई थी, तो इसके ऊपर रिप्लाई देते हुए मोहम्मद शमी ने यह कहा कि भैया मैं जब जो भी टूर्नामेंट में अगर पाकिस्तान मेरे सामने आते, तो मैं अपने वो तीनों बॉल जो उसने मतलब मिले थे, मैन ऑफ द मैच बने थे उन मैच में, तो बॉल वो अपने पास में रखे हैं और उन बॉलों को वहां लेके जाएंगे, उनके सामने काट के उनको दिखाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, जो बॉल स्विंग करते हैं वो उनकी स्किल है, वो स्किल सेट के हिसाब से वो स्विंग करते हैं, ना कि बॉल में कुछ होता है। तो ऐसे ये जो मनगढ़ंत बातें उनकी या फिर बेतु की बातें, समझ लीजिए अपनी नाकामयाबी छुपाने के जो रास्ते वो ढूंढते रहते हैं, उसको एक इतना सैवेज रिप्लाई मोहम्मद शमी ने दिया है। आगे पाकिस्तानी मीडिया में और क्या बातें चलती है इसके बारे में लेके, वो हम यहाँ पे सुनेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और मोहम्मद शमी के बारे में कमेंट करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत। कोई ऐसी बयानबाजी नहीं, ये अगर ज्यादातर जो होती है वो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स ही करते हैं। तो उसके हवाले से मोहम्मद शमी ने जो बात की है, तो मोहम्मद शमी वो यही कह रहा है कि सादा सी और सिंपल अल्फाज में, वो शाहरुख खान का जो गाना था 10-12 साल पहले जो काफी मशहूर हुआ था, मैं करूं तो साला करेक्टर ढीला है। तो वो उसी, उसने गाना तो ये नहीं गाया लेकिन उसी तरह की सूरत हाल ही उसने एक्सप्लेन की है कि हम करें तो साला करेक्टर ढीला है, आप करें तो सब अच्छा है, आप करें तो आर्ट है, कला है, हम करें तो ये दो नंबरी है, बदमाशी है, और ये मतलब एक भाई कह रहे हैं सैविज रिप्लाई शामी, नहीं गाना मैंने ऐड किया है, गाना शामी ने ऐड नहीं किया, मतलब उसका कहने का मकसद यही था, गाना जो ऐड किया मैंने कि मैं करूं तो साला करेक्टर ढीला है, ये मैंने ऐड किया, लेकिन उसका मकसद यही था कहने का कि जब आप किया करते थे तो तब ये एक आर्ट था, अब अगर कोई और हम कर रहे हैं या कोई और कर रहा है तो फिर अब इसमें कीड़े और नुक्स निकालने की आदत हो गई है। तो बात भी ठीक है। और उन्होंने कहा कि इंजमाम जो कि इतनी क्रिकेट खेले हुए हैं, अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। फिर जो इंटरव्यू लेने वाला था उसने बोला कि चैंपियंस ट्रॉफी में जब आप जाएंगे तो फिर वो आप गेंद, शामी ने बोला हाँ ठीक है, मैं वो दो तीन गेंदें जो प्लेयर ऑफ द मैच की मुझे मिली हैं वो मैं अपने साथ ले जाऊंगा,
और जाके वहां पे पूरा पंचायत लगा के बताऊंगा कि हाँ जी इसको काटते हैं छुरी से, तो अंदर से वो चिप वाली जो चिप निकलती है कि नहीं निकलती। फिर उन्होंने कहा कि जी वसीम अकरम ने काफी डिटेल में और एक्सप्लेन भी किया था कि ऐसे नहीं होता कि जो टीम है वो अपनी मर्जी की बॉल लेके आ जाए, जी हमने इसे बॉलिंग करानी है, वो पूरा बॉक्स लेके आते हैं अंपायर, उसमें से फिर कहीं ना कहीं आप एक आधा बॉल जो है, आधा तो नहीं, आधे में तो चिप डल जाएगी ना, एक पूरा बॉल आप उसमें से चूज करते हैं कि हाँ जी इसमें से हम इसके साथ बॉलिंग करेंगे, तो वो भी पूरी बात उन्होंने समझाई। और अभी भी ये जो रिवर्स स्विंग वाली बात है कि अर्शदीप की कैसे होगी, वही बात शमी ने भी की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जो मोहम्मद शमी के हवाले से, तो आपको मालूम है कि मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप तो खेल नहीं रहे थे, लेकिन वर्ल्ड कप के दौरान मोहम्मद शमी हमें यूट्यूब पे काफी ज्यादा एक्टिव जो नजर आए, और आप जो मोहम्मद शमी एक पॉडकास्ट में आए हुए थे और वहां पर मोहम्मद शमी ने बहुत सारी जो बातें की हैं, और हकीकत में अगर देखा जाए तो जो इंजमामुल हक के हवाले से मोहम्मद शमी ने बातें की है ना कहीं मोहम्मद शमी ने इंजमामुल हक को और पाकिस्तानी साबिक खिलाड़ियों को जो है वो आप ये कह सकते हैं कि ट्रोल किया है। अब आपको मालूम है कि वर्ल्ड कप 2024 के दौरान जब मैचेस हो रहे थे, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो मैच हुआ, जो मैच इंडिया की टीम ने बड़े आराम के साथ जीत लिया था, वहां उस मैच के बाद इंजमामुल हक ने जो है एक टीवी शो में बैठ के जो है इंडिया की टीम के ऊपर इल्जाम लगाई थी, और उन्होंने बोला कि अर्शदीप सिंह को रिवर्स स्विंग कैसे मिल रही थी, और अर्शदीप सिंह और इंडिया के जो फील्डर्स हैं उन्होंने बॉल के साथ कोई जो छेड़खानी की है, यानी कि बॉल टेम्परिंग किया उन्होंने और चीटिंग किया है। तो साथ में यह भी बोला कि अंपायर्स पता नहीं मैच के दौरान सोए होते हैं, अंपायर्स को इंडिया के खिलाड़ियों पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि इन्होंने जो चीटिंग की है। उस पर बहुत ही ज्यादा मजाक भी बना इंजमामुल हक का, और साथ में बहुत ज्यादा इनको गालियां भी मिली, ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने यह बोला कि इंडिया की टीम की जीत जो है वो आपसे बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए आप ऐसी घटिया बातें करते हैं। अब मोहम्मद शमी से जो है वहां पर जो है वो होस्ट ने यह सवाल पूछा कि इंजमामुल हक ने वर्ल्ड कप के दौरान यह बोला था, और उससे पहले भी जब जो है वो वर्ल्ड कप हुआ था तो उसके दौरान जो है उन्होंने बोला था पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों ने, हसन रजा और बाकी लोगों ने, कि भाई जो है वो इंडिया के जो खिलाड़ी हैं उनको एक स्पेशल जो बॉल दिया जाता है जिसमें चिप लगी हुई है और इसलिए बॉल जो है वो ज्यादा स्विंग होता है। तो मोहम्मद शमी ने बोला कि मैंने वो बॉल्स पास रखी हुई हैं, जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा मैं उनके अगेंस्ट खेलूंगा, या अगर चैंपियन ट्रॉफी में हम जो पाकिस्तान गए तो फिर हम मैं ये करूंगा वो बॉल्स मैं उनको दिखाऊंगा, और वहां पर बैठ के सारे लोगों का इकट्ठा करके उस बॉल को मैं दरमियान से चीरा लगाऊंगा, यानी कि चीर फाड़ के रखूंगा, और फिर बीच में जो चिप लगी हुई है भाई वो मैं दिखाऊंगा, जो डिवाइस लगी हुई है कि यार ये देखें कौन सी डिवाइस है आप मुझे ये बता दें। उन्होंने बोला कि मैन ऑफ द मैच उस मैच में आया हुआ था और मैंने वो बॉल जो है मेरे पास ही मौजूद है, मैं पाकिस्तानी मीडिया के सामने और पाकिस्तानी साबिक खिलाड़ियों के सामने उस बॉल को काट के दो टुकड़े करके दिखाऊंगा कि देखो भाई बताओ मुझे कहां पर जो है इसमें डिवाइस लगी हुई है। और उन्होंने बोला कि ये जो लोग हैं पाकिस्तानी खास करके साबिक खिलाड़ी जो ऐसी जो स्टेटमेंट्स देते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं भाई, वो हमारी जीत बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जब भी हम मैच जीतते हैं वो जो है वो ऐसे इल्जाम लगाते हैं। फिर उन्होंने बोला कि ये जो बॉल टेम्परिंग की बात हुई है, तो जब इंजमामुल हक का दौर था सबसे ज्यादा बॉल टेम्परिंग पाकिस्तानी टीम ने की थी और पाकिस्तानी टीम पे सबसे पहले जो इल्जाम लगा था, और शायद अफरीदी की भी उन्होंने एग्जांपल दी कि वो जो है वो एप्पल की तरह खा रहे थे बॉल को, तो वो लोग जो हमें आज जो है वो सिखा रहे और हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि हम जो है चीटिंग करते हैं और हम जो है वो बॉल टेम्परिंग कर